ईद के अवसर पर आज कोहिमा के लोकल मैदान में 2000 से अधिक लोगों ने नमाज अदा की। आज के इस दिन को सद्भाव और भाईचारे का दिन माना जाता है। मुसलमानों की मान्यता है कि आज ही के दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने को कहा था। हजरत इब्राहिम के लिए उनका बेटा हजरत इस्माइल सबसे बेशकीमती था, इसलिए जब इब्राहिम ने इस्माइल की कुर्बानी देनी चाही तो अल्लाह ने इब्राहिम से खुश होकर इस्माइल को जीवन दान दे दिया। उस दिन से कुर्बानी का ये पर्व ईद उल जुहा दुनिया भर में मनाया जाता है। मिजोरम में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज बड़ी धूमधाम से ईद उल जुहा का पर्व मनाया। सुबह आइजोल स्थित हाईफील्ड ग्राउंड में मुस्लिमों ने नमाज अदा की। ईसाई बहुल मिजोरम राज्य में सालों से मुस्लिम और ईसाई धर्मावलंबी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सन 1976 से ही यहाँ का मुसलमान समाज असम राइफल्स ग्राउंड में नमाज अदा करता आया है, लेकिन पिछले 4 साल से हाईफील ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। आज 3000 से अधिक मुसलमानों ने आइजोल में नमाज अदा की। साथ ही आइजोल में हुए हालिया नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों और केरल के बाढ़ प्रभावितों के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड, सो एवरीबॉडी वेंट देयर, वी हैड द स्पेशल प्रेयर देयर एंड आफ्टर दैट सी दिस इज बकरीद, सो दे हैव टू सैक्रिफाइस द एनिमल, सो मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन टू देयर होम एंड दे विल सैक्रिफाइस द एनिमल and then they have to distribute the meats. The whole day it will go on like that. For as of me, we have a program in the house in the at night dinner where the pastors from the mosque will come and some committee members will come. Like that, other people also might have some small gatherings in their homes. So general one is the morning prayer, that is the most important one. पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ आज मेघालय में भी ईद की रौनक देखी गई। शिलांग की मदीना मस्जिद स्थित ईदगाह मैदान में ईद की नमाज पढ़ी गई। सुबह नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बड़ी संख्या में मुसलमानों ने मदीना मस्जिद में आयोजित नमाज में हिस्सा लिया। मदीना मस्जिद की खासियत यह है कि यह पूरे उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ा शीशे का खूबसूरत मस्जिद है। रियो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्मकार 18वें एशियाई खेलों में जिम्नास्टिक की वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर रहने वाली दीपा क्वालिफिकेशन राउंड में 13.225 के स्कोर के साथ 8वें स्थान पर रही। हालांकि दीपा 12.750 के स्कोर के साथ बैलेंस बीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। इस स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में वह 7वें स्थान पर रही। स्पर्धा का फाइनल 24 अगस्त को होगा। दीपा को उसके परिवार ने फाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हम लोग का भगवान के पास ही दुआ करेंगे, चाहेंगे जो बेटी को अच्छा अच्छा करके रिजल्ट करे। हमारा भारतवासी त्रिपुरावासी जो है सब इसको दुआ करें, जैसे भारत में मेडल लेके आए, मेडल लेके आए त्रिपुरा के लिए और इंडिया के लिए। यही मैं दुआ करूँगी, भगवान से प्रेयर प्रार्थना करूँगी।